हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना काल के दो सालों बाद दशा माता पूजन को बड़ी संख्या में उमड़ी महिलाएं अपने घर की दशा एवं परिवार की खुशहाली को लेकर महिलाओं ने रखे दशा माता का व्रत उपवास, पीपल की पूजा कर सुनी दशा माता की कथा। साढ़े रात होलिका दहन के दिन से महिलाओं ने लगातार 10 दिनों तक व्रत रखा। वह कथा श्रवण कर रही महिलाओं ने रविवार को चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी को विशेष पूजा अर्चना कर कथा श्रवण के बाद पीपल की परिक्रमा कर व्रत उपवास खोला। प्रतिदिन घरों में दशा माता, दाड़ू स्वामी व आस माता की आकृति बनाई गई। इसमें घर की दीवारों को महिलाओं ने पहले चूने से पोत दिया और आकृति बनाई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार घर की दशा दिशा को सुख पूर्वक रखने के साथ परिवार की खुशहाली के लिए महिलाएं ज्यादातर यह व्रत करती हैं। व्रतधारी महिलाएं सज धज कर हाथों में पूजा का थाल लेकर मंगल गीत गाती हुई भीमनाथ महादेव मंदिर तथा तालाब किनारे स्थित खेड़ा देवी मंदिर पहुंची, जहां पंडितों तथा बुजुर्ग महिलाओं से कथा श्रवण कर विशेष पूजा अर्चना के बाद अपने घर परिवार के लिए खुशहाली की कामनाएं की। कोरोना काल के लगातार दो वर्षों से अपने अपने घरों में पूजा अर्चना कर रही व्रतधारी महिलाओं में इस बार दशा माता के व्रत उपवास व त्योहार को लेकर जहाँ महिलाओं में काफी उत्साह का माहौल देखा गया तथा गांव के भीमनाथ महादेव मंदिर परिसर में आज मेरे जैसा माहौल रहा। जागरूक टीवी के लिए साढ़े राव से नटवर मेवाड़ा की रिपोर्ट।